सस्ता होने पर स्मृति ईरानी ने किया ट्वीट, तो कॉमेडियन ने कहा, जब महंगा था तब गायब रही मैडम, अरे कितना ढोंग करोगी। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी का फैसला किया है। पीएम मोदी के इस फैसले पर स्मृति ईरानी ने खुशी जाहिर की। अब इस पर राजीव निगम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन और ओणम का तोहफा दिया है। महंगाई से परेशान जनता के लिए सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर एलपीजी की कीमत में 200 रुपए की कटौती की है। सरकार ने गैस सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी की घोषणा की। ये सब्सिडी उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लोगों को मिलेगी। अब सरकार की इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय गर्म हो गया है। पक्ष और विपक्ष इस पर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक ट्वीट सामने आया है, जिस पर लोग अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी के ट्वीट पर जाने माने कॉमेडियन राजीव निगम ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि रक्षाबंधन की भेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया स्वच्छ ईंधन के माध्यम से सम्मान सुरक्षा एवं समृद्धि के रक्षा सूत्र। घरेलू गैस सिलेंडर हुआ 200 रुपए सस्ता। देश की सभी बहनों की ओर से नरेंद्र भाई का आभार। स्मृति ईरानी के इस पोस्ट पर राजीव निगम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि सस्ते का मैसेज देनी तो मैडम आ गई, लेकिन महंगे के खिलाफ हमेशा गायब रही। अरे कितना दिखावा छलावा ढोंग करोगी मैडम, आज 9 साल बाद रक्षाबंधन याद आ रहा है, वाह। आपको बता दें, जब एलपीजी सिलेंडर का दाम 400 रुपए से कम था, तब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ गई थी और उन्होंने दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महंगाई कम होगी। स्मृति ईरानी के ट्वीट पर कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया। एक यूजर ने लिखा, बोले थे 15 लाख देंगे और दे रहे हैं 200 रुपए। एक शख्स ने लिखा, वाह मंत्री जी वाह, 400 से 1200 हुए तब तो आप कुछ ना बोले, और अब चुनाव आए तो 200 कम करके लोगों को मूर्ख बना रहे हो, अब कोई आपके झांसे में नहीं आएगा। एक अन्य यूजर ने केंद्रीय मंत्री से कहा, आपने और आपकी सरकार ने भारत की जनता पर बहुत बड़ा एहसान किया, ये भारत की जनता युगो युगो तक नहीं भूल पाएगी, चुनाव के पहले भेंट और बाद में गला रेत। एक और ने लिखा, कीमत के लिए कल तक कंपनी जिम्मेदार थी और आज मोदी जी का तोहफा हो गया, झूठ की भी सीमा होती है। सिलेंडर सस्ता होने पर स्मृति ईरानी के इस पोस्ट पर कॉमेडियन राजीव निगम के इस पलटवार को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।